अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू महदीज अकेडमी। आई एम योर टीचर सैयद गुलाम मेहदी शाह, और आज से मैं एसटीएस के ज़रिए जो जॉब्स अनाउंसमेंट हुई हैं सिंध गवर्नमेंट की, बीपीएस 5 से बीपीएस 15 तक, उसकी स्क्रीनिंग टेस्ट की प्रिपरेशन करवाने जा रहा हूँ, जिसमें आज जो पोर्शन है जनरल नॉलेज का पोर्शन है जो कि 40% होगा, इंग्लिश का पोर्शन भी 40% होगा, और मैथमेटिक और वर्ड प्रॉब्लम्स जो होंगे वो 20% होंगे। तो इस्लामियात के आज क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करेंगे, जो इस्लामियात या पाकिस्तान स्टडी 5 क्वेश्चंस आ सकते हैं दिए हुए सिलेबस में से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो हेल्पफुल हो सकती हैं टेस्ट में। तो पॉइंट नंबर 1 है, प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज़ बॉर्न ऑन, प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे 22 अप्रैल 571 AD को। उसके बाद जो है पॉइंट नंबर 2 है, वो है पेरेंटल ग्रैंडफादर ऑफ प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज अब्दुल मुत्तलिब, यानी कि प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जो थे वो थे अब्दुल मुत्तलिब। रियल नेम ऑफ अब्दुल मुत्तलिब वाज शीबा। तो अब्दुल मुत्तलिब का रियल नेम जो था वो शीबा था। पेरेंटल grandfather of prophet grandmother of prophet sallallahu alaihi wasallam was fatima। aur question number point number 4 jo hai wo hai the parental grandmother of prophet was fatima, aur point number 5 jo hai wo hai maternal grandfather of prophet was wahib bin abdul munat। uske baad jo point hai point number 6 hai wo hai maternal grandfather of prophet was bara। उसके बाद जो 7 नंबर पे पॉइंट आती है वो है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैड 10 पैटर्नल अंकल्स एंड 6 आंटीज़, यानी कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 10 अंकल थे और 6 आंटीज़ थी। आइए तो बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 9 की तरफ। तो पॉइंट नंबर 9 है, अबू तालिब अकम्पाइंड मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन द फर्स्ट जर्नी टू सायरिया, यानी कि शाम की जो जर्नी थी तो प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो थे वो हज़रत अबू तालिब थे। पॉइंट नंबर 8 जो है वो हम भूल चुके हैं तो ये रिपीट करेंगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ट्रेवल्ड सायरिया फॉर द फर्स्ट टाइम एट द एज ऑफ 12 ईयर्स। प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 ईयर्स की एज में पहला जो सफ़र था उन्होंने शाम के लिए किया था हज़रत अबू तालिब के साथ। ओके, द 10th नंबर पे जो पॉइंट है वो है, अ क्रिश्चियन मॉन्क रिकॉग्नाइज्ड मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक क्रिश्चियन मॉन्क थे उन्होंने तस्दीक की थी एज द लास्ट प्रोफेट ड्यूरिंग द जर्नी टू सायरिया, जब वो शाम जा रहे थे प्रोफेटहुड की उसने तस्दीक की थी कि ये लड़का नबी है। उसके बाद जो पॉइंट है वो है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैरिड टू खदीजा एट द एज ऑफ 25। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बीबी खदीजा के साथ जब शादी की तो उनकी एज 25 साल थी। और पॉइंट नंबर 12 जो है वो है, खदीजा वाज 40 ईयर्स ओल्ड व्हेन शी मैरिड टू हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और बीबी खदीजा की जो एज थी, उम्र थी वो 40 ईयर्स थी, यानी कि 40 साल थी जब उन्होंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी की। उसके बाद जो पॉइंट नंबर 13 है, शीमा बिनते हारिस वाज द फोस्टर सिस्टर ऑफ होली प्रोफेट, यानी कि शीमा बिनते हारिस जो थी वो फोस्टर सिस्टर थी होली प्रोफेट की। उसके बाद जो पॉइंट है वो पॉइंट नंबर 14 वो है, हारिस बिन अब्दुल उज़ा वाज द फोस्टर फादर ऑफ प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो पॉइंट नंबर 15 है, आ फ्रेंड ऑफ खदीजा, हजरत बीबी की फ्रेंड नफीसा डिलीवर्ड हर प्रपोजल ऑफ निका टू प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, जो पैगाम लेके गई थी बीबी खदीजा की फ्रेंड वो थी नफीसा। उसके बाद जो पॉइंट है वो है, प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेट विथ हज़रत आदम ऑन द फर्स्ट हेवन, प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हज़रत आदम से मिले थे वो पहले आसमान पे या फर्स्ट हेवन पे मिले थे। उसके बाद जो पॉइंट है वो है, प्रोफेट मेट विद द हज़रत ईसा, हमारे प्रोफेट जो थे वो हज़रत ईसा से एंड हज़रत याया से सेकंड हेवन यानी कि दूसरे आसमान पे मिले। और पॉइंट नंबर 18 जो है वो है, प्रोफेट मेट विद हज़रत यूसुफ ऑन द थर्ड हेवन,
Prophet met with Hazrat Idris. Hazrat Idris ke saath jo mulaqat hui thi, wo fourth heaven pe hui thi, yani ke chauthe aasman pe. Uske baad jo point hai, wo hai Prophet met with the Hazrat Harun on fifth heaven. Hazrat Harun ke saath jo mulaqat hui thi Prophet sallallahu alaihi wasallam ki, jab wo miraj pe gaye the 27 Rajab ko, to wo fifth heaven pe Hazrat Harun se mile the. तो आइए बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 21 की तरफ. तो पॉइंट नंबर 21 है प्रॉफेट मेट विद हजरत मूसा ऑन द सेवेंथ हेवन. हजरत मूसा से मुलाकात जो प्रॉफेट की हुई थी वो सेवेंथ हेवन यानी के साथ छठे आसमान पे हुई थी. पॉइंट नंबर 22 जो है प्रॉफेट मेट विद हजरत इब्राहिम ऑन द सेवेंथ हेवन. हजरत इब्राहिम के साथ जो मुलाकात हुई थी वो सातवें आसमान पे हुई थी. उसके बाद जो पॉइंट है पॉइंट नंबर 23, रियल नेम ऑफ अबू जहल. अबू जहल का जो रियल नेम था, असली नाम था, वो है अमर बिन हशम. उसके बाद जो पॉइंट है वो है द लार्जेस्ट इडूल इन द काबा वाज हबल. तो काबा में जो सबसे बड़ा यानी कि बुत था उसका नाम हुबल या हबल, प्रोनंसिएशन आप सही कर लीजिएगा, वही है. ओके, थ्री एडल्स ऑफ कुरैश आर मेंशन इन कुरान. कुरैश के जो तीन बुत थे वो कुरान में उनका जिक्र है, वो है लात, मन्नात और उज़ा. उसके बाद जो है वो है नेम ऑफ प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ मेंशन्ड फोर टाइम्स इन होली कुरान. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नाम है वो होली कुरान में यानी कि कुरान पाक में फोर टाइम्स यानी कि चार मरतबा आया है. हज़रत अली बिलोंग टू बनू हाशिम. हज़रत अली का जो ताल्लुक़ था, हज़रत अली अलैहिस्सलाम का जो ताल्लुक़ था वो बनू हाशिम से था, और हज़रत अबू बकर का जो ताल्लुक़ था वो बनू तैयम के साथ था, और हज़रत उमर बिलोंग टू बनू आदि. हज़रत उमर बनू आदि से ताल्लुक़ रखते थे, और हज़रत उस्मान जो थे वो बनू उमैया से ताल्लुक़ रखते थे. तो आज के लिए ये इतना लेक्चर ही काफ़ी है. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में और इंग्लिश का पोर्शन और जनरल नॉलेज और मैथमेटिक का पोर्शन भी शेयर करूँगा. तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. खुदा हाफिज़.